going to the pharmacy. As you can see, it's all very empty. And I have just applied lipstick just to go to the pharmacy. हाय नमस्ते, मेरा नाम संजना तिवारी है और मैं इस वक्त मिलान इटली में हूँ। आप सबको पता ही होगा कि कैसे इटली में कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैला है और कितने लोगों की जानें गई हैं। अभी एक दिन पहले 919 लोग की डेथ हुई थी। तो हुआ कैसे, कैसे ये सब स्टार्ट हुआ था, हम उस पर ज़रा थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं। हुआ क्या था कि जब थोड़े बहुत केसेस सामने आए थे इटली के, तो गवर्नमेंट ने एडवाइस कर दिया था कि सब लोग आइसोलेट में रहें, पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करें, लेकिन कोई ऑफिशियल लॉकडाउन नहीं हुआ था। लोम्बार्डी रीजन में, मिलान के आसपास के जो रीजन है, वो रेड जोन डिक्लेयर कर दिए गए थे, जहाँ पे वायरस पहले पाया गया था। वो पूरी पूरी सिटी समझ लीजिए आप, छोटे छोटे विलेज सिटी, वो पूरे लॉकडाउन पे थे। मिलान को गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, पूरे लोम्बार्डी रीजन को मिलान के साथ, जिसमें मिलान आता है, उसको लॉकडाउन किया गवर्नमेंट ने 8 मार्च को ये नॉर्थ लोम्बार्डी रीजन लॉकडाउन होने के बाद, जितने भी लोग मिलान में थे वो सब साउथ में चले गए। उस दिन पूरी ट्रेनें वगैरह सब भरी हुई थी, क्योंकि सब लोग साउथ भाग रहे थे, क्योंकि नॉर्थ लॉकडाउन पे हो गया था। लोगों ने इसको सीरियस नहीं ले लिया, लोग सब यही समझ रहे थे कि नॉर्मल बुखार है, ज़्यादा क्या होगा, हम लोग यंग लोगों को अफेक्ट नहीं करता है। किसी ने भी इस वायरस को सीरियसली नहीं लिया। बहुत मिस्टेक्स इटली ने करी हैं, इटली के लोगों ने भी करी हैं। तो सारे लोग 8 मार्च को नॉर्थ से साउथ की तरफ चले गए। हुआ ये कि गवर्नमेंट को 9 मार्च को पूरा कंट्री लॉकडाउन करनी पड़ी, क्योंकि आई थिंक इस दिन जब लोग नॉर्थ से साउथ गए थे, तो उन्होंने बस वायरस फैला दिया पूरी कंट्री में, और ट्रेन वगैरह भी पूरी भरी हुई थी। और आई थिंक ये लोगों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा गलत मिस्टेक थी। इवन केसेस उस वक्त भी काफ़ी थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 9 मार्च को पूरी कंट्री लॉकडाउन पे लगा दी। आपको पता होगा कि इटली एक डेवलप्ड नेशन है और इनका हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम इसे इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब एक डेवलप्ड नेशन जिसका हेल्थ केयर इतना अच्छा है और जिसकी पॉपुलेशन भी कम है इंडिया से कंपेयर करके, वो भी इस क्राइसिस को संभाल नहीं पाए। इटली में हॉस्पिटल कोलैप्स होते रहे, इतने वीडियोज़ आ रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेस के अपनी दिक्कतें बताते हुए, मास्क की कमी, सैनिटाइजर्स की कमी, हर चीज़ की कमी, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी। तो आप समझ सकते होंगे कि हालत कितनी बुरी है यहाँ पे इटली में। यहाँ पे अभी क्वारंटाइन रूल्स, सेल्फ आइसोलेशन क्वारंटाइन के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। गवर्नमेंट ने फाइन लगाया हुआ है, पहला फ़ाइन 350 यूरो का था, लेकिन अब वो बढ़ के 5000 यूरो का फ़ाइन हो गया है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फ़ाइन भी दिया है जो क्वारंटाइन रूल ब्रेक कर रहे हैं। घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, सिर्फ घर के बाहर वही लोग निकल सकते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, वही लोग निकल सकते हैं जो सुपरमार्केट, फार्मेसी या हॉस्पिटल में काम करते हैं। उसके अलावा सब कुछ बंद है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस, हर चीज़ बंद है, कोई बाहर निकलना नहीं है। आप लोग पार्क में रनिंग वगैरह के लिए भी नहीं जा सकते हो, अपने घर के 300 मीटर के विदन ही आप दौड़ भाग कर सकते हो, कोई पार्क वार्क नहीं है, सब कुछ बंद है। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने शुरू में जिम बंद किया था, तो काफ़ी लोग पार्क में जा रहे थे, अब वो सब भी बंद है। सुपरमार्केट आप जा सकते हो, कहीं भी आप जाओ तो उसमें आपको 1 मीटर की दूरी बना के लोगों से खड़ा होना पड़ेगा। एक परिवार से एक ही आदमी सुपरमार्केट जा सकता है। आपके गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट एक निकाला है, आपको वो उसको भरना है। ऐसे आप अपने घर से निकल के सुपरमार्केट पे जा रहे हो, तब आपको भरना है, और सुपरमार्केट से आप वापस घर पे आ रहे हो, उसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट भरना है। हर वक्त पुलिस चेकिंग पे है, कोई भी बाहर मिला उसको फ़ाइन। आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए बाहर जाने का, जो कि सिर्फ हॉस्पिटल, सुपरमार्केट या फार्मेसी, बस और कोई रीज़न नहीं है। सुपरमार्केट में नीचे, सुपरमार्केट के बाहर लाइनें हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे सब खड़े हैं, नीचे लाइनें बना के रखी हुई हैं ताकि लोग 1-1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। पहले पहले तो शुरुआत में सुपरमार्केट में काफ़ी लोगों ने चीज़ें स्टॉक कर ली, जब लॉकडाउन की खबर आई सुपरमार्केट में, ना अब बनाना मिल पा रहा था, ना बेसिक चीज़ें, लोग एकदम पैनिक में आ गए।
उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें स्टॉक करी, सब्जियां जो ख़राब हो जाती हैं 2 दिन में, मीट वगैरह जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें लोग खराब स्टॉक करने लगे, टॉयलेट पेपर लोग स्टॉक करने लगे। तो हाँ, पैनिक काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुका था लॉकडाउन की वजह से, बट अभी भी लोग उसको स्ट्रिक्टली नहीं ले रहे हैं। अभी भी कुछ लोग बाहर जा रहे थे, निकलते हैं टहलने के लिए, स्पेशली बूढ़े लोग या डॉग्स को टहलाने के लिए। बट एनीवे, अगर पुलिस पकड़ी गई तो आपको 5,000 का फाइन देना पड़ेगा। अभी तो मैं डेवलपमेंट की बात इतना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये जो लोग मर रहे हैं, ये केसेस ऑलरेडी पुराने हैं जो थे इटली में, ऑलरेडी जो निकले थे। और आई थिंक क्वारंटाइन से हम इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं किया होता तो केसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते। हाँ, लॉकडाउन शायद मेरे हिसाब से थोड़ा लेट हुआ है, बट फिर भी लॉकडाउन ही एक चीज़ है जो इस वायरस से फाइट कर सकते हैं हम लोग। सेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी कैन फाइट दिस वायरस बाई स्टेइंग होम, एंड ओनली बाई स्टेइंग होम।